हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी पांच बातें शेयर करूंगी कि अगर आप अपने लिए किसी डाइटिशियन को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस डाइटिशियन के अंदर आपको देखनी चाहिए। अगर वो आपसे इन फाइव रूल्स या बातों को, अगर वो मतलब आप एग्री हैं कि हाँ वो ये बातें आपसे कर रही है, तो आप उसके साथ कंसल्ट कीजिए। एज ए डाइटिशियन आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं अपने लिए। तो वो पांच बातें कौन सी हैं, लेकिन उससे पहले मैं दो तीन चीज़ें आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है या फिर किसी भी तरह की कोई बीमारी हुई है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, मतलब उसको कट करना है। थोड़ा सा ये मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करूंगी, बाद में मैं आप लोगों को एक डाइटिशियन को कैसे पहचाने इसके बारे में मैं पांच चीजें आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात, डॉक्टर्स आप लोगों को ये बोलते हैं कि अगर आप अपने डायबिटीज को, थायराइड को, पीसीओडी को या इस तरह के कोई भी बीमारी को रिवर्स करना चाहते हो, और अगर आप ओवरवेट हो, तो सबसे पहले आप अपने वेट को लूज कीजिए। ये डॉक्टर्स ही कहते हैं और बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके साथ साथ लोग गलतियां क्या करते हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली चीज, आपको अपनी डाइट को कट डाउन नहीं करना है, मतलब आपको कम खाना नहीं खाना है बल्कि सही खाना खाना है। अब कम खाना और सही खाने में थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ बाहर से ऑर्डर करें, चाहे वो कितनी भी मतलब ऑर्गेनिक हो या फिर पैक्ड चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये डाइट के लिए अच्छी है, डाइट नमकीन, डाइट कोक या फिर शुगर फ्री ये, और मतलब इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, वो लोग अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करने, वो आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ घर का बना हुआ खाना ही खाना है। और क्या खाना है, ऐसा खाना खाना है जो कि ईजी टू डाइजेस्ट हो, मतलब आपकी बॉडी उसको ईजिली डाइजेस्ट कर दे। ऐसा नहीं कि वो अनईजी हो डाइजेशन में और आप उसको खाएं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको ऐसा नहीं करना है। इजी टू डाइजेस्ट चीज़ें खानी है और घर की चीज़ें खानी है, घर का बना हुआ खाना, और जो आपके सीजन में हो, जो आपके रीजन में हो, वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कीजिए। सेकंड चीज़ आपको क्या नहीं करनी है, अगर आप एक ओबेस पर्सन है तो आपको जिम में जाकर हार्ड कोर एक्सरसाइज नहीं करनी है। अक्सर लोग यही गलतियां करते हैं कि जिम ज्वाइन कर लेंगे, जिम की मेंबरशिप ले लेंगे, और उसके बाद जो है अपने शरीर को वहां जाकर तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये चीजें मैंने अक्सर देखी हैं लड़कियों में जिनके जिनको हार्मोनल इंबैलेंस है, पीसीओडी की समस्या है, वो लोग क्या करते हैं, जाते हैं जिम में और बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं। ये उनके पेरेंट्स भी उनको बोलते हैं करने के लिए, उनको ये लगता है कि अगर ये ज्यादा एक्सरसाइज करेगी तो इसको जो है, जो इसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि एक सही डाइटिशियन की पहचान करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें उस डाइटिशियन के अंदर देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करते हो तो क्या वो आपसे सबसे पहले आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मांगती है? अगर हाँ, शी इज राइट। और उसमें भी अगर वो आपकी स्पेसिफिक बीमारी की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांग रही है, आपको आपका ऑल ओवर जो बॉडी चेकअप होता है, जिसमें आपका KFT, LFT, आपका डायबिटीज प्रोफाइल, आपका थायराइड प्रोफाइल, आपका आयरन प्रोफाइल, आपका B12, आपका D3, ये सारी चीज़ें, लिपिड प्रोफाइल, CBC काउंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं फुल बॉडी चेकअप में आती हैं। तो अगर आपसे वो इस तरह से फुल बॉडी चेकअप के लिए डिमांड करती है, बिल्कुल 100% वो सही डाइटिशियन है। सेकेंड चीज़, अगर वो आपके रूट कॉज को फाइंड आउट करती है और आपको बताती है, आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट और आपके सिम्टम्स देखकर वो आपको बताती है कि आपकी बीमारी डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, पीसीओडी हो या कुछ भी हो, उसका कारण क्या है, वो आपको ये एक्सप्लेन करती है या समझ जाती है, तो कहती है कि ठीक है, इसका कारण ये है, इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक हो जाएगा, शी इज राइट। थर्ड चीज़, आपके वेट लॉस के पीछे वो कभी ना भागे। अगर वो ये आपसे प्रॉमिस कर रही है कि मैं एक महीने में आपका 3 से 4 किलो वजन कम कर दूंगी, तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो सिंपल आपको कैलोरी डेफिशिएट में लेकर जाएगी, और कैलोरी डेफिशिएट में ले जाने के बाद आपका एक महीने के अंदर अच्छा खासा वजन कम होगा और आप अच्छे दिखने लगोगे। लेकिन ये सिर्फ इल्यूजन है आपका, क्योंकि जिस दिन आपने वो डाइट छोड़ी, जिस दिन आप एक नॉर्मल डाइट के अंदर आ गए, और अक्सर यही होता है कि इस तरह की जब डाइट, जब इस तरह के प्रोमिसेस किए जाते हैं कि एक महीने में 3 से 4 किलो वजन कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो होता है ना, डाइट में सैलेड और सूप और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दी जाती हैं,
उसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि इंसान की क्रेविंग्स जो होती है ना वो ब्लास्ट होती है जिस दिन, उस दिन वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है और सारे लिमिट्स क्रॉस कर देता है, तो वो जो मेहनत पहले की हुई होती है वो सारी खराब हो जाती है। सस्टेनेबल तो है नहीं, कोई भी कैलोरी डेफिशिएंट डाइट जो होती है वो सस्टेनेबल इसलिए नहीं होती है क्योंकि कैलोरी डेफिशिएंट की डाइट के साथ साथ उसमें न्यूट्रिशन भी कम हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर जाने के लिए। तो तीसरी चीज़ जो है वो ये होती है। फोर्थ चीज़ जो होती है वो ये होती है आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के लिए वो सबसे पहले काम करे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी भी बीमारी का कारण आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है। जैसे कि अगर आपको थायराइड है, आपकी बॉडी के अंदर B12, D3 और आपका आयरन प्रोफाइल भी गड़बड़ होगा, तो अगर आपको वो सही डाइट दे रही है उन स्पेसिफिक के लिए या फिर कोई सप्लीमेंटेशन आपको बता रही है कि आप ये लीजिए क्योंकि आपके अंदर इस स्पेसिफिक विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, देन शी इज राइट, आप उसके साथ काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ चीज जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके सिम्टम्स को रिवर्स करने की सबसे पहले कोशिश करें, क्योंकि अगर वो आपके सिम्टम्स को रिवर्स ना करके आपके वेट लॉस के पीछे अगर वो भागती है तो वो गलत है। सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? कॉन्स्टिपेशन, लेथार्जिकनेस, लो एनर्जी लेवल्स, मूड स्विंग्स, मेंटल स्ट्रेस, ये सारी चीजें जो होती हैं आपके सिम्टम्स में काउंट होती हैं। चमत्कार स्किन एकदम ग्लो करने लगे, बाल एकदम ग्रो कर जाएं, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा देर से होती हैं, टाइम लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ें सिम्टम्स जो होते हैं ये 1 महीने के अंदर, जैसे आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीज होने लगेगा, आपका जो लेथार्जिकनेस है वो तो 1 वीक के अंदर ही आप नोटिस करोगे कि आपके जो एनर्जी लेवल्स है वो खाने के साथ साथ खाना भी खा रहे हो लेकिन आपका जो एनर्जी लेवल्स है वो बूस्ट हो रहा है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन और करना चाहूंगी 5 चीज़ों के बाद, जो इंसान आप तोल कर खाना खाते हो, नाप कर खाना खाते हो, 20 ग्राम ये, 10 ग्राम ये, प्लीज ये सब मत कीजिए, क्योंकि इसके साथ जो है आप लाइफ लॉन्ग लाइफ जो है वो सस्टेनेबल नहीं रह सकते हो। आप मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि अपनी वेइंग मशीन साथ में लेके जाते हैं, किचन की वेइंग मशीन, और तोल कर आटा डालेंगे, तोल कर चावल डालेंगे, ये सब चीजें नहीं। आप खाना सही खाइए, तोल कर मत खाइए, अगर आप अपनी बीमारी को रिवर्स करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको सही खाने की ज़रूरत है ना कि खाने को कट डाउन करने की। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बहुत काम आएगी, इसके साथ आप अपने आप भी काम कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन भी लेना चाहते हो तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऐसी बीमारियां जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, हॉशिमोटो थायराइडाइटिस है, या ऐसी कोई भी चीज़, उसके लिए मेरे चैनल पर तमाम वीडियोस हैं, आप उनको देखिए और उनसे आप नॉलेज गेन कीजिए, फिर देखिए कि आपकी जो भी इस तरह की बीमारियां हैं वो इजीली रिवर्स हो सकती हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अच्छे कंटेंट और जो भी कोई मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ वो सारे नॉलेजेबल होते हैं, बहुत विजडम होता है ऐसे वीडियोस में, प्लीज़ आप उसको देखिए और सीखिए, और आने वाले वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि आते ही ये वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।